चिंतित चेहरे बंगाल टाइगर्स के खेमे में, जहां बुलडोजर्स के सपोर्टर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये मैनहट्टन देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं। चलिए आखिरी 12 गेंदें बची हैं, क्या करते हैं राजीव? That's not a six. It's a 10-run shot. Man, the way he's batting, it's just unbelievable hitting. Unbelievable hitting of a cricket ball. 71 off just 23. और इस गेंद में बुराई नहीं थी, ना छोटी थी, ना ये फुल अप थी, पर अपने फ्रंट लेग को निकाल लेते हैं रास्ते में से, आउट ऑफ द वे करके पूरा बॉडी का लेवरेज, फ्लो ऑफ बैट इज ट्रेमेंडस। जो बेस बना लेते हैं ना अतुल, उससे ही वो शॉट में पावर आती है। वो बढ़िया बेस बना लेते हैं, अपने आप को रुक कर खेलते हैं और नजरें पूरी गेंद पर रखते हैं आखिरी समय तक। इकतीस गेंदों में 100 रन बनाए थे आज एबी डिविलियर्स ने, क्या ये कर पाएंगे? क्या करेंगे सैंडी, छोटी गेंद थी, उसको छक्का मार दिया राजीव ने। दूसरी गेंद, प्रेशर गेंद, मिस टाइम, इस बार वन बाउंस डीप मिड विकेट के पास। पहला मिस टाइम शॉट देखा मैंने राजीव का, पहला। और उनका इंपैक्ट ऐसा है अतुल के एक भी मिस टाइम शॉट मारे तो क्राउड थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उनका बल्ला देखिए कितना मोटा बल्ला है वो। लगता है बल्ला नहीं है, पूरा पेड़ उठा के ले आए हैं बैट की जगह। काफी ऊंची चली गई है, हाई अप इन द एयर, समवन अंडरनीथ फॉर इट। इट्स अ गुड कैच, दैट इज अ गुड कैच, आई कैन टेल यू। That's a very, very good catch. चलिए कुछ तो खुशी का मौका मिला बंगाल टाइगर्स को, पर बहुत बढ़िया बैटिंग की। कार्तिक ने भी पूरा अपना टीम का हौसला बढ़ाया, 13 गेंदों में 26। सैंडी की चलाकी आखिरकार काम आ गई। बढ़िया कैच, बहुत ऊपर गया था। ओहो हो, बहुत ही डिमांडिंग फैंस हैं। इतनी मार के बाद भी अगर आउट हुआ उसके बाद भी परेशान है। 216 पिछे। सोलह पे छे और यहां पे काफी ऊंची चली गई है ये कैच। नो चांस, फील्डर हैड एब्सोल्यूट नो चांस, ही वाज गोइंग द रॉन्ग वे कंप्लीटली। बहुत मुश्किल था ये कैच, फुल मार्क्स फॉर ट्राइंग, उल्टा भाग के ऐसे कैच पकड़ना इतना ऊपर गया हुआ, आसान काम नहीं। नेवर इजी दोस कैचेस। Magnificent. I'll tell you what. He's
इतनी आसानी से बोल ये 6 रन मार रहे हैं, मुझे लगता है कि नीचे खेलना ज्यादा मुश्किल है इनके लिए। We have been entertained to the limit. Have a look at that. Tremendous inning. It's gone many a mile in the crowd. The crowd are enjoying it. The supporters are enjoying it. A lot of people coming out of this over. Oh, that's a disappointment for everyone. It's a strike. That's the plus point for that. 19 overs gone. It's 225 for 6. यहाँ पे यही है सवाल कि क्या 100 तक पहुंच पाएंगे। शुरुआत तो अच्छी की है, एक छक्के के साथ शुरुआत। इसी के साथ ही 87 तक पहुंच चुके हैं राजीव, जिसमें 11 बहुत बहुत बड़े छक्के शामिल। अमोल, सबसे कमाल की चीज ये रही है कि एक भी मिस हिट नहीं है किसी भी ग्राउंड पे, शायद इंटरनेशनल ग्राउंड क्वालिटी पे भी ये सारे 6 रन होते। ये और क्या कमाल की बात है, देखने लायक सारे छक्के गगन। और क्या बल्लेबाजी, बहुत कम बार ऐसी बल्लेबाजी दिखाई दे। Unbelievable scenes here, isn't it? Sagafield's overs, Ravi Shastri, Herschel Gibbs, युवराज सिंह, कुछ ऐसे नाम जिन्होंने 6 छक्के मारे हैं 6 गेंदों पे। क्या यहाँ पे राजीव ऐसा कारनामा कर सकते हैं? 93 तक पहुंच चुके हैं। काफी लंबा ये है। बेस बेस जो बना लेते हैं यहाँ पर, बेस और वही से लेते हैं, कदमों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। स्ट्राइक रेट पे नजर डालिए, 320.7, यानी अगर ओपन करने आए होते तो अब तक 150 या क्या 200 के आसपास पहुंच चुके होते। बेहतरीन पारी रही है राजीव की, और जिस तरीके से उन्होंने मोमेंटम को और आगे किया है, बिल्कुल बंगाल टाइगर्स के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। Oh, straight to the field, a little disappointment. तो एबी डिविलियर्स का जो रिकॉर्ड है उसको इक्वल नहीं कर पाएंगे, हालांकि वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में है और ये एक T20 है जरूर, लेकिन फिर भी यहां पे शतक बनाने का पूरा मौका है। 3 गेंद अभी भी बाकी हैं, शायद यही बता रहे हैं नॉन स्ट्राइकर को कि देखिए कोशिश करूंगा मैं कि स्ट्राइक अपने लिए रखूं। क्या बल्लेबाजी, मैं कहूंगा यहां पर बहुत कम बार ऐसी बल्लेबाजी दिखाई देती है, और मानना पड़ेगा कि ये उनका प्रोफेशन नहीं है। क्या टैलेंट है, दिस इज समथिंग अनयूजुअल। एक और बहुत 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 बड़ा छक्का, 99 तक पहुंच चुके हैं, 2 गेंद अभी भी बाकी हैं, शायद हमें देखने को मिलेगा ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पार्ट बाय पार्ले 2020 कुकीज का दूसरा इंडिविजुअल शतक। 99, ego that quid in 100 rocks back onto the back foot and it goes many mile in the crowd. Wow, what entertainment, this is what CCL is all about. 13 sixes, have a look at that last column, magnificent. Only 11 ones and 1-2 in that entire innings. यहाँ पे 100 रन स्टाइल में बन सकते हैं, बड़ा छक्का, टेक अ बाउ राजीव, व्हाट अ मैग्निफिसेंट इनिंग्स, 32 गेंदों पे 105। इफ इट क्रिकेट द राजीव स्वामी स्टेडियम अलाइट 105 विद अ मैग्निफिसेंट 6 एंड इट्स जस्ट in 30, as you rightly said, think about. भावनाओं का महासागर चिन्नास्वामी स्टेडियम,
क्योंकि उनके हीरोज आज बहुत बेहतरीन उन्होंने लय प्रदर्शन किया है, लेकिन उसमें सबसे बड़े रहे हैं राजीव। 14 छक्के इस पारी में, 2 चौके, 105 32 गेंदों पे, एक गेंद अभी भी बाकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए जैसे उनका शतक पूरा हुआ, ये इमोशन थे उनके, और क्यों नहीं, क्या बल्लेबाजी, शत की पारी खेली है यहां पर। कर्नाटका बुलडोजर्स के खेमे में खुशी की लहर बिल्कुल साफ मौजूद। क्या एक और छक्के के साथ यहां पे खत्म कर सकते हैं राजीव? इन आंकड़ों पे नजर डालिए, क्योंकि ये अक्सर किसी भी क्रिकेट में आपको दिखाई नहीं देंगे। एक और सुपर शॉट, एक और छक्का, 250 भी पूरे हुए, 111 33 गेंदों पे नाबाद राजीव। बेहतरीन बेहतरीन पारी अमोल। I'll tell you how it is. 6-6 a dot ball. It was another 6. One more 6 on the fifth ball. Got 2. And then 6. It is this. Over the off, on the back foot. An amazing shot. A difficult one to execute, but he has done it in style. He's happy, and why not? कर्नाटका बुलडोजर्स कितनी मजबूत टीम है आप अंदाजा लगा सकते हैं। दो मैच में मिला के इस टीम ने लगभग 500 रन बनाए हैं 40 ओवर में, और दो इंडिविजुअल शतक आ चुके हैं। यानी ये टीम जो कि पिछले साल की विजेता है, इस बार भी ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज के लिए बहुत बड़े दावेदार रहेगी। एक और पारी अभी भी बची है, लेकिन फिलहाल सब कुछ यहाँ पे राजीव के बारे में ही रहेगा। और जो पारी उन्होंने खेली है, 111 नाबाद 33 गेंदों पे, 2 चौके और 15 गगनचुंबी छक्के अमोल। 15 छक्के, एक उम्दा यहाँ पर दिखाई दिए। ये इमोशन उनके जब उन्होंने छक्का लगाकर अपना शतक जड़ाया था सिर्फ 32 गेंदों में, और क्या बात थी, वो सारे के सारे छक्के, जैसे आपने सही कहा, गगनचुंबी। और ऐसा लगा कि इन्होंने वो मोमेंट मिस किया था, पीछे किसी से बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि छक्के के लिए जा रही है, तब उनके भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बेहतरीन बेहतरीन दृश्य ये, खासकर अगर आप कर्नाटका बुलडोजर्स के सपोर्टर्स हैं तो ये यादगार एक शाम रहेगी। 255 पे 6 बनाए हैं